हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट की ही सीरीज़ में ये एक और वीडियो। किस टॉपिक पर? यह है आपका वही स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप अभी स्क्रीन पर जो एक स्क्रीन शॉट देख रहे हैं, एक स्क्रीन प्रिंट देख रहे हैं, ये स्क्रीन प्रिंट मैंने कम्युनिटी टैब में बहुत पहले शेयर किया था, आई गेस अराउंड 2 वीक्स अर्लियर, राइट। 2 हफ्ते पहले मैंने शेयर किया था। तो इसमें ये नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कई जगह पर, एक दो जगह पर बायलिंगुअल लिखा हुआ है, ठीक, और बाकी सेक्शंस में नहीं लिखा हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करूँ तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो में, आप देख सकते हैं जहाँ पर बायलिंगुअल लिखा हुआ है। तो यानी जो आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है वो बाइलिंगुअल रहेगा। दूसरा, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी वाला जो पोर्शन है, रीजनिंग और मैथ्स वाला, वो रहने वाला है बाइलिंगुअल। तो बाकी किसी में नहीं लिखा। हिंदी इंग्लिश का तो कोई मतलब नहीं है बाइलिंगुअल होने का, वो तो अपनी लैंग्वेज में ही रहेंगे। दूसरा, कंप्यूटर नॉलेज में नहीं लिखा हुआ बाइलिंगुअल। और थर्ड चीज़, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें नहीं लिखा हुआ है बाइलिंगुअल। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा, प्रिपेयर रहे हैं वर्स्ट कंडीशन के लिए। तो ये दिखाने का पर्पज़ मेरे को कुछ वो करना नहीं है कि मैं डिग्रेड कर रहा हूँ हिंदी को, या मैं मतलब चाहता हूँ कि हिंदी में पेपर ना आए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट में उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, वो जो चीज़ बताई हुई है उन्होंने सीबीएसई वालों ने, वो मैंने सोचा एक बार आपको फिर से मैं दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। और आप वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहें फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए, अब टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप आज की वीडियो में क्या देखेंगे, हम कुछ टॉपिक्स मैंने उठाए हैं सीबीएसई की वेबसाइट से, ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट से। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सीबीएसई की वेबसाइट को पूरी तरह छान चुके होंगे, और जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक्स आपने मुझसे पहले ही पढ़ लिए होंगे, मेरे बताने से पहले ही पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं उड़ान, ठीक है। उड़ान के बारे में डिस्कस करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये सीबीएसई की ही एक स्कीम है, सीबीएसई का ही एक प्रोजेक्ट है, इसलिए मे बी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उड़ान क्या, कौन सा प्रोजेक्ट है, ये सीबीएसई ने लॉन्च किया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं यहाँ पर आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ। उड़ान एक प्रोजेक्ट है लॉन्च्ड बाय सीबीएसई, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के तहत, ठीक है, उसके अंतर्गत लॉन्च हुई है, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ क्या है, जो गर्ल स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो एडमिशन कम होता जा रहा है, और मैथ्स और साइंस, ठीक है, मैथ्स और साइंस को स्कूल लेवल पर एड्रेस करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो मेन पर्पज, इसका पर्पज़ जो पूछा जाएगा वो यही है कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में जो गर्ल्स की इनरोलमेंट कम हो रही है उस पर ध्यान देना, ठीक है। और दूसरा, साइंस और मैथमेटिक्स को स्कूल लेवल पर बढ़ाना, उसको एड्रेस करना, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उड़ान एक सीबीएसई की ही पहल है, इसलिए मुझे लगा शायद ये पॉइंट एग्जाम में वो पिक कर सकते हैं, तो इसलिए ये फिल्टर आउट की है मैंने कुछ चीज़ें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेंगी, और ये समय ही ऐसा है कि आप लोगों को एक एक चीज़ को फिल्टर आउट करके पढ़ते जाना है, ठीक है। अभी कुछ सोचना नहीं है कि ये आएगा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जब भी आपको खाली टाइम मिले उस टाइम में आपको हर चीज़ को रिवाइज़ कर लेना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्यूरिकुलम क्या होता है, ये मोस्टली लोगों को पता होगा, जितने हैं इंग्लिश मीडियम वाले तो जानते ही होंगे क्यूरिकुलम किसे कहते हैं, ठीक है। क्यूरिकुलम इज द सेट ऑफ कोर्स, ठीक है, सेट ऑफ कोर्सेज जो भी आपको पढ़ने होते हैं किसी भी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और क्यूरिकुलम का प्लूरल होता है क्यूरिकुला बोलते हैं, जिसे क्यूरिकुले कह सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों को बता दूँ, एक स्कूल या विश्वविद्यालय जैसे संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम और उनकी सामग्री का सेट ही क्या कहलाता है, क्यूरिकुलम कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन रिफॉर्म। एजुकेशन रिफॉर्म क्या होता है, एक ऐसा प्लान, प्रोग्राम या मूवमेंट, ठीक है, जिसमें हम, जिसकी क्या पहल रहती है, जिसकी क्या कोशिश रहती है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस आए, ठीक है, अक्रॉस द स्टेट और नेशन। यानी कि एक ऐसी योजना या एक ऐसा आंदोलन जो राष्ट्र में शैक्षिक सिद्धांत या व्यवहार में एक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, रिफॉर्म से ही पता चल रहा है, रिफॉर्म का मतलब आपको पता है, और एजुकेशन और जोड़ दीजिए उसमें, तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, ठीक है, और लर्निंग बाय डूइंग। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन क्या होता है, इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है, ठीक है, उनको
खाली लर्न नहीं करते वो लोग, बाय डूइंग लर्न करते हैं, ठीक है। उनको उस एक्टिविटीज़ में जो उनको लर्न करनी है उसमें उनको इंगेज किया जाता है, उनको प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, राइट। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन, फैसिलिटेटर, हु इज फैसिलिटेटर। आपने सुना होगा, बहुत सी जगह आपने वर्ड देखा होगा फैसिलिटेटर, ठीक है। टीचर, एक तो टीचर होता है, एक होता है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर क्या होता है, टीचिंग से, टीचिंग जैसी ही एक जॉब पोस्ट होती है, एक जॉब रोल होती है, जिसका मेन काम क्या होता है, वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखिए, ए नॉन डायरेक्टिव नॉन जजमेंटल टीचर हु क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, रिकॉर्ड्स स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड मोटिवेट्स स्टूडेंट टू एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन इन डिटरमाइनिंग एंड अचीविंग एजुकेशनल गोल्स, ठीक है। एक गैर निर्देशित, गैर निर्णय शिक्षक या नेता जो सीखने के लिए एक वातावरण बनाता है, छात्र की प्रगति को रिकॉर्ड करता है, शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका फैसिलिटेटर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जर्नल। देखिए, जर्नल क्या होता है, हिंदी में एक बोल्ड लेटर्स में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है जर्नल की मीनिंग, ठीक है। इंग्लिश वाला सब भूल जाइए, एक छोटी सी मीनिंग लिखी हुई है, एक दैनिक रिकॉर्ड जिसमें छात्र अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये जर्नल वो वाला नहीं है, अकाउंट्स वाला जर्नल लेजर जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ये जर्नल जो है वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें छात्र अपनी डेली की जो भी उसकी फीलिंग्स होती हैं और इमोशंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है, तो ये क्या कहलाता है, जर्नल, राइट। आगे बढ़ते हैं, काइनेस्थेटिक लर्निंग, राइट। काइनेस्थेटिक लर्निंग क्या होता है, ए टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस बाय द स्टूडेंट एक्चुअली कैरिंग आउट अ फिजिकल एक्टिविटी रादर देन लिसनिंग टू अ लेक्चर और मेयरली वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन। काइनेस्थेटिक लर्निंग में स्टूडेंट फिजिकली कोई एक्टिविटी करता है बजाय कि वो उसको कहीं देखे उस लेक्चर को, ठीक है, या सुने किसी से, उसके बजाय वो फिजिकली इन्वॉल्व होकर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, वो कहलाता है आपका काइनेस्थेटिक लर्निंग। अब बात करते हैं पीस एजुकेशन की। देखिए, एक बार बता दूं मैं आपको, ये सारे टॉपिक्स मैं कहीं से उठाकर नहीं लाया, मैं CBSE की वेबसाइट पर गया, जो काम आप लोग कर रहे हैं इस समय फिल्टर आउट करने का चीज़ों को, वही मैंने भी आपके लिए कर दिया, राइट। मैंने आपके लिए चीज़ें इजी कर दी, जो लोग नहीं किया है ऐसा, जिन्होंने, मैं उनसे फिर से बोलूँगा, थोड़ा सा हार्डशिप करिए यार, वो 10 नंबर आपका इस एग्ज़ाम के रिजल्ट का निर्णायक फैसला तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप चीज़ों को जितना ज़्यादा फिल्टर आउट करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे उस सेक्शन में ज़्यादा परफॉर्म करने के, राइट। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आपको, आपको औरों से बेटर बनाना चाहिए। पीस एजुकेशन क्या होता है, देखिए सिंपल सा पीस इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि पीस से रिलेटेड एजुकेशन जो क्या सिखाती है, नॉन वायलेंस, लव, ट्रस्ट, फेयरनेस, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें बताती हों, ठीक है। एक ऐसी एजुकेशन जो पीस यानी शांति को अमल में लाने की चीज़ें सिखाती हो, वही क्या कहलाता है आपका, पीस एजुकेशन कहलाता है, राइट। नेक्स्ट वन, पैडागोगी। व्हाट इज पैडागोगी, मोस्ट सिंपल थिंग, ठीक है, टीचिंग का आर्ट या साइंस ये कह सकते हैं आप, ठीक है। द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग इज नोन एज पैडागोगी, राइट। नहीं बोलेंगे, बहुत इजी टर्म है, पैडागोगी इज दी आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग। मैं उम्मीद करूँगा, सॉरी, मैं कोशिश करूँगा कि ये जो PPT आप देख रहे हैं इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊँ, लेकिन अभी नहीं, वीडियो डालने के एक दो घंटे बाद आएगा वो, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो उसको मैं अपलोड करूँ, आप लोगों के लिए मैं लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकें और आपके रिविज़न के लिए वो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, राइट। रिमीडिएशन क्या होता है बताइए, रिमीडिएशन मतलब इस वर्ड से ही कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा, रिमीडिएट करना किसी चीज़ को, ठीक है। एक टीचर का एक ऐसा कमेंट या उसकी ऐसी एक्टिविटी जो किसी स्टूडेंट को हेल्प करती है एक्यूरेट बनने में और एक अच्छा रिस्पांस देने में, ठीक है। तो एक टीचर का ऐसा कमेंट जो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को मोर एक्यूरेट बनने में और हायर लेवल रिस्पॉन्स देने में, तो ये कहलाता है आपका रिमीडिएशन। आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताए CBSE के, कोई मुझे जर्नल वहाँ पर मिला था, ठीक है, वो मैंने उठाया और उसके अंदर जो ग्लॉसरीज थी जिसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी टर्म्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड से रिलेटेड है, आप भी जाइए वहाँ पर देखिए, चीज़ों को फिल्टर आउट करिए तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए, सुपरविजन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटली,
इज दी सेइंग ऑफ, ये किसकी सेइंग है, किसने कहा है ऐसा कि सुपरविज़न जो है टीचर को कंट्रोल करने के लिए नहीं होता खाली, बल्कि साथ में काम करने के लिए होता है, एक सहकारी रूप से काम करने के लिए होता है, किसकी कहावत है यह है हॉय एंड फॉरेस्ट की, ठीक है, हॉय एंड फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड, इन सारे गवर्नमेंट ग्रांट्स और एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो किस में मेंटेन होते हैं, कैश रजिस्टर में। अब आप कहेंगे यार ये कैसा क्वेश्चन है जो स्कूल एजुकेशन के अंदर आया, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही ये सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ के ग्रांट्स एक्सपेंडिचर्स दीज थिंग्स विल कम इन स्कूल एजुकेशन, राइट, क्योंकि स्कूल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं, वो एडमिन के ही अंदर आता है ये सारा काम। नेक्स्ट वन, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कूल ऑकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज एंटर्ड इन, एक किसी भी स्कूल में दिन प्रतिदिन होने वाले स्कूल के सभी वित्तीय लेन देन में प्रवेश किया जाता है, किस में प्रवेश किया जाता है, उसको कैश बुक के अंदर एंटर करेंगे आप। नेक्स्ट वन, ए प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज विच इज डिजाइन टू अटेन एडुकेशनल एंड्स इज, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, ठीक है, एजुकेशनल मतलब शैक्षिक जो भी हमारी चीज़ें हैं उनके लिए डिजाइंड एक जो कार्यक्रम होता है वो क्या कहलाता है, क्यूरिकुलम कहलाता है। नेक्स्ट वन, द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज थ्रू, स्कूल एजुकेशन का लेवल कैसे आप जज कर सकते हैं कि ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, ठीक है, तो लर्निंग आउटकम से, जाहिर सी बात है किसी भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये अच्छा स्कूल है नहीं है, वहाँ के लर्निंग आउटकम्स, वहाँ के जो है सीखने की क्षमता कैसी है बच्चों की, वहाँ के इंटेलिजेंसी लेवल क्या है उस स्कूल का, उसके थ्रू ही आप जज कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेटिंग स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज द पर्पज ऑफ, किसका पर्पज होता है ये बताइए, कोऑर्डिनेट करना, स्टिमुलेट करना, डायरेक्ट करना, ये होता है इंस्पेक्शन का, ठीक है, जब भी इंस्पेक्शन होती है तो उसका मेन पर्पज यही होता है कि देखा जाए कि एक टीचर का समन्वय पूरा विकास जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर इज, सैंपल ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के सैंपल को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है, किसके थ्रू आप मेजर करते हैं, टेस्ट के थ्रू, राइट, कोई भी किसी भी टेस्ट के थ्रू आप मेजर करेंगे सैंपल ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट वन, द पर्पज ऑफ द इवेल्यूएशन इज टू मेक, इवेल्यूएशन का पर्पज क्या होता है, मूल्यांकन, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन का पर्पज क्या होता है, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, किसी भी जजमेंट पर पहुंचते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप इवेल्यूएट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं, सपोज मैं इवेल्यूएट कर रहा हूँ किसी स्टूडेंट की नॉलेज को, राइट, तो मेरा पर्पज क्या है, जजमेंट तक जाना कि वो कितना बेटर है अपनी इंटेलिजेंसी लेवल पर, ठीक है, तो मैं एक जजमेंट पर तभी पहुंचूंगा जब मैं उसको इवेल्यूएट करूंगा, चीज़ों को इवेल्यूएट करूंगा तभी मैं जजमेंट पर पहुंचूंगा। नेक्स्ट वन, इवेल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज, मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति की निगरानी करता है वो है आपका फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन, ए इज दी फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। अच्छा, अभी स्कूल में क्या होता है, जैसे एग्जाम्स होते हैं आपके, कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, कुछ समेटिव असेसमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं जो पीरियडिकली चेक किए जाते हैं, सपोज दो दो मंथ्स में फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं जो कि मतलब लर्निंग प्रोग्रेस मेजर करता है एक स्टूडेंट की, ठीक है, और जो समेटिव असेसमेंट होते हैं वो ओवरऑल जो भी उन्होंने एक पीरियड ऑफ ईयर वन ईयर में जो भी सीखा होता है उसका जो है प्रतिफल होता है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं या फॉर्मेटिव इवेल्यूशन कह लीजिए वो पीरियड्स के बाद, ठीक है, मतलब एक निर्धारित सीमा में, सपोज दो महीने में, ठीक है, उसका एक तरीके से निगरानी करता रहता है, एक तरीके से वो चेक करता है किसका भी जो इंटेलिजेंसी लेवल है बच्चे का वो क्या चल रहा है, तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। नेक्स्ट वन, टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पर जब आप मूल्यांकन करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, समेटिव असेसमेंट, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, अभी मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी इससे पहले। इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलेबल, मार्किंग विल बी मोर रिलेबल मतलब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी किस में होगी, जाहिर सी बात है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होगी, वहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सपोज आप कॉपी चेक करने बैठे हैं किसी बच्चे की, तो
मोस्ट रिलायबल काम क्या होगा आपके लिए, आपको एक ऐसे में दे दूं किसी बच्चे का लिखा हुआ, उसकी मार्किंग करना इजी है या एमसीक्यूज की मार्किंग करना इजी है? बिल्कुल जाहिर सी बात है एमसीक्यू की मार्किंग करना ज़्यादा इजी है और वो ज़्यादा विश्वसनीय काम है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमसीक्यू। नेक्स्ट वन, द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विद द अदर स्टूडेंट। एक ऐसा टेस्ट, ठीक है, या परीक्षण जो एक छात्र से दूसरे छात्र की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाएगा आपका नॉर्म रेफरेंस, ठीक है, सामान्य संदर्भ। नेक्स्ट वन, द इनकरेक्ट ऑप्शंस इन एमसीक्यू आर, जो एमसीक्यू में सबसे पहले तो करेक्ट ऑप्शन क्या होते हैं, एमसीक्यू के जो करेक्ट ऑप्शन होते हैं वो होते हैं आंसर, उनको आंसर बोला जाता है, और जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं उनको बोला जाता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उनको बोला जाता है डिस्ट्रक्टर या विध्वंसक हिंदी में, ठीक है। हिंदी पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, फिर से बोलूँगा, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम, जैसे कि उन्होंने नोटिफिकेशन में कह दिया है तो उसके अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट वन, द सेकेंडरी एजुकेशन लाइज अंडर द कैटेगरी ऑफ, सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? जाहिर सी बात है 9वीं से 12वीं की जो एजुकेशन होती है वो सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर ही आती है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, शिक्षक की जो एजुकेशन प्रोग्राम होती है उसको सुधार के लिए कौन सी समिति की सिफारिश की गई थी? वो की गई थी राममूर्ति समिति। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन, रामाकिशन मिशन वाज फाउंडेड बाय, रामाकिशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? वो बनाया गया स्वामी विवेकानंद के बारे में। कॉमन क्वेश्चन है, हाँ, एजुकेशन से मिलता जुलता है इसलिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट वन, हु फॉर्म ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज किसने फॉर्म किया था? राजा राम मोहन राय ने, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट वन, द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप 6 to 14 हैज बीन इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है हमारा जो कंपलसरी एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, वो आता है आपका अनुच्छेद 21A के तहत, ठीक है, आर्टिकल 21A। सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। नेक्स्ट वन, डाइट स्टैंड्स फॉर, डाइट की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है, तो मैंने ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं दे रखा है क्योंकि जाहिर सी बात है DIET की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट वन, द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज टू प्रोवाइड, प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होना, ठीक है, वो क्या है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट वन, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन इज टू इंकरेज द इंडिविजुअल्स टू स्ट्रगल फॉर द सोशल डैश ऑफ द कंट्री, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन का जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों को, ठीक है, लोगों को इंकरेज करना, किस चीज़ के लिए इंकरेज करना वो यहाँ पर आपको बताना है, सोशल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जाहिर सी बात है सामाजिक विकास के लिए संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करता है एजुकेशन, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन। सो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वन, द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल्स वाज इनिशिएटेड विद अ व्यू टू, जो मिड डे मील प्रोग्राम है प्राइमरी स्कूल्स में वो उसकी शुरुआत की गई थी, क्यों की गई थी मेनली? वो की गई थी एनरोलमेंट्स बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में एडमिशन लें, इसलिए वो चलाई गई थी, ना कि किसी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए और ना ही किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मस्ट बी डिवाइडेड इन फर्दर ग्रुप्स सो स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट दी सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइस दैट कैन इनेबल देम एडॉप्ट डैश अकॉर्डिंगली, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को बहुत सारे ग्रुप्स में आगे डिवाइड किया जाना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से क्या अडॉप्ट कर सकें, क्या चुन सकें, ऑक्यूपेशन, ठीक है, जैसी बात है वो अपना ऑक्यूपेशन चुन सकें उन सब्जेक्ट्स के बेस पर, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए, ठीक है, और एंड में यही कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ ये जो मेहनत चल रही है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी क्योंकि आप ही लोगों के लिए हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों में फिर से ही बोलूँगा किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, मेरे ऊपर भी मत रहिए, ठीक है। आपने वीडियो देख लिया, क्वेश्चंस पढ़ लिए, ठीक है, फिर आपका अगला काम क्या होना चाहिए? अगला काम आपका होना चाहिए आप चीज़ों को फिल्टर करें खुद से, ठीक है। यू गो टू दी इंटरनेट एंड सर्च द टर्म्स रिलेटेड टू दिस न्यू टॉपिक, ठीक है, सभी के लिए न्यू है। फिर से बोलूँगा एक बात, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग सोचते होंगे सेम बातें रिपीट
करते जा रहा बंदा, लेकिन वो नहीं है। मैं फिर से ही बोलूँगा, थोड़ा सा अपना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको औरों से अलग बनाती हैं। ठीक है, तो वीडियो को अब एंड करते हैं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, अगली वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली अगला वीडियो करंट अफेयर के ऊपर होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अराउंड 150 और 200 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, राइट। तो उसका भी मैं पीडीएफ कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, तो इसका पीडीएफ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।